Yes, happy Tuesday. Very good morning, all of you. Welcome you all to the session of Standard Secondary Practice. 12वीं के Secondary Practice के session में आप सभी लोगों का स्वागत है. उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को सारी चीजें, सारे पहलू क्लियर हो चुके हैं. मैंने राउंड टू का टाइम टेबल ग्रुप पे पोस्ट किया है. बहुत सोच विचार कर सारा टाइम टेबल बनाया गया है ताकि सभी लोगों को इक्विवेलेंट और अच्छे से टाइम मिल सके. जो लोग अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों को भी अच्छे से प्रिपरेशन पढ़ाई हो ताकि बच्चा कुछ 50 मार्क्स का. आनंद आनंद इधर आके बैठे, जल्दी फटाफट बैठना है तो जल्दी आके बैठना, तो बाहर जा जल्दी आ फास्ट जल्दी एकदम जल्दी. सो दैट एवरीवन गेट्स एन इक्विवेलेंट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग द थिंग्स. वी हैड ऑलरेडी प्लान टू राउंड्स इन दिस पर्टिकुलर मंथ. प्लान करे वैसे हो जरूरी नहीं होता, कभी कभी चीज़ों में थोड़े बदलाव भी करने होते हैं. अभी तो कहीं तो गाड़ी इंजन जो है वो गर्म होने लगा है, तो धीरे धीरे अब इंजन गर्म हो रहा. मैंने कहा दो राउंड इस मंथ में ले तो लूंगा, मैं मेरी मर्जी से अगर मैं करूँ ले तो लूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स की भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए. हाँ अध्यक्ष. सो मैंने सोचा कि नहीं, एक बार इसके ऊपर पुनः विचार हो. विल गिव इट अगेन थॉट. रादर देन कंडक्टिंग टू राउंड्स इन दिस पर्टिकुलर मंथ, विल गो फॉर टू राउंड्स इन द मंथ ऑफ जैन. सो सी द पिक्चर एंड द कैलेंडर इज वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस. व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द पेपर आई हैव गिवन इन द सेकंड राउंड? 28 और 27. आलू सुना कि नहीं सबने? सुजीत सर के जितने मैसेज उत्तेज मैसेज उसने डाले कि इनके. फिर उसके पास फोन था, वो पोयम देख रहा था कब खोल के उसने. शायद वो सुजीत सर के मैसेज, वो वॉइस मैसेज देखता है ना, तो उसको पता है कोई वॉइस मैसेज डाला, आपने कोई वॉइस मैसेज डाला. आलू हाँ आलू. उसने एक नया भागो भागो बचाओ बचाओ बचाओ. वो मोटू पतलू देखते उसमें भागो भागो बचाओ बचाओ. क्या हा? अच्छा वो राउंड का टाइम सब वो सुई सर के मैसेज देखिए यही बोल रहे थे सज्जन, भागो 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 बचाओ. 28th of December, 28th of December के बाद 3 दिन और दिसंबर की छुट्टी है. फिर आया साल 2022, पुढच्या वर्षी. हाँ पुढच्या वर्षी परत यायचं आपण, मग पुढच्या वर्षी नेक्स्ट इयर 2022, पुढच्या वर्षी. मग पुढच्या वर्षी हा 11 जानेवारीला खूप टाइम आहे अजून. पुढच्या वर्षी, पुढच्या वर्षी पाहू आता नाही. हा आता या वर्षी थांब, पुढच्या वर्षी बघू आपण. तो मी एक हिसाब से आप समझ लीजिए जो कुछ भी मेरा टाइम टेबल, मतलब टाइम मेरा नहीं, टाइम टेबल जो होगा दैट विल बी फ्रॉम 1 to 15 एंड 15 to 30. और इन बिटवीन डेज में हम सारा जो है दो राउंड कंप्लीट करेंगे. विल बी कंप्लीटिंग फर्स्ट द 70% सिलेबस राउंड एंड देन विल बी कंप्लीटिंग द 100% सिलेबस राउंड. क्योंकि अगर बाई डिफॉल्ट अगर टाइम टेबल में बदलाव नहीं है तो मार्च के फर्स्ट वीक में टेस्ट है, तो इस केस में वी वॉन्ट बी एबल टू कंडक्ट एंटायर 10 राउंड्स. ऐसे जो होते हो तो राउंड होने के तरीके अलग होते हैं, जैसे कि 8 राउंड कंसिक्वेंटली हो जाएंगे, 8 राउंड कंसिक्वेंटली हो जाएंगे. जैसे अभी फेब्रुवरी में फर्स्ट राउंड हो गया 100% का, सॉरी जनवरी में फर्स्ट राउंड हो गया 100% का, यानी फेब्रुवरी के जो 4 वीक रहेंगे वो 4 वीक में रोज पेपर रहेंगे, 4 राउंड हम वहाँ पे कंप्लीट करेंगे. तो ये 4 और ये 4 8 राउंड अपने कंप्लीट होते हैं, कंसिक्वेंट पेपर्स रहेंगे, देयर वोंट बी एनी गैप. सोच के तो रखा है ऐसे. लास्ट फिर आते हैं मार्च में. व्हेन वी कम टू मार्च, इन बिटवीन पेपर्स के बीच में जो टाइम होता है उसके अंदर वो जो 1-2 एक्स्ट्रा राउंड होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं. जैसे मान लो पहले इंग्लिश का पेपर, उसके बाद 8-10 दिन पेपर कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरे रशियन फ्रेंच ये सारे पेपर्स, जर्मन, ये सारे लैंग्वेजेस के पेपर्स होते हैं, तो इन बिटवीन बहुत सारे दिन का गैप है. तो उन बिटवीन डेज में नेक्स्ट पेपर जो रहेगा उसके पेपर्स वहाँ पे अराउंड कुछ ऐसे पेपर्स लिए जाएंगे. जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर है उसके पहले 2-3 दिन छुट्टी है, तो उसके पहले एक हाथ कोई 80 मार्क्स का पेपर हम सॉल्व करवा के लेते ताकि वही मोमेंटम और वही स्पीड आपकी रहे. डोंट वरी अबाउट राउंड्स, राउंड कंसिस्टेंटली एग्जाम्स तो कंसिस्टेंटली होते रहेंगे. सिर्फ कैसा है वो राउंड 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 के चक्कर में कोई ऐसा ना बोले कि सर हमको बैठ के प्रिपेयर करने का वक्त भी आपने नहीं दिया. हम कब बैठे हैं, कब प्रिपेयर करें, कब चीज़ें देखें, 6 बजे तक तो हम यहीं बैठ रहे हैं, कब जाना है? क्योंकि जो कुछ भी स्क्रैप या जो कुछ भी जमा करना है, जो कुछ भी प्रिपेयर करना है, वो इसी मंथ में करना है. ये बात भी एकदम साफ क्लियर दिमाग में बैठा हो आप लोग. व्हाटएवर यू हैव टू
put up your momentum and preparation, it's to be done in this month itself. Because in January, February, you'll also have your internals, you'll also have your vivas, you'll also have your submissions. 20 mark ki jo bache hue hain, jo hai mere paas, to uski bhi exams lene hain. तो वो सारे एग्जाम्स वगैरह भी सब चीजें शुरू हो जाएंगे. मतलब जो कुछ भी बेसिक फंडामेंटल है, हमें ग्राउंड फ्लोर बनाना है, वो ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए यही महीना है. सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाला सेकंड राउंड अपना 100% देने की कोशिश करें. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ये नंबर वो नंबर, लेकिन अपने अपने हिसाब से अपना जो पोटेंशियल है उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें. फिर बाद में किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. इसलिए मैं पिछले महीने भी बोला था बहुत लोगों को, आई एम कीपिंग यू ऑन होप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, व्हाई थिंग्स आर केप्ट ऑन होप. नथिंग हैज चेंज्ड, थिंग्स आर द सेम एज दे वर. जैसे चीजें थी वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं. अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. शिक्षकाने असंच बोललं पाहिजे, टोचलेलं असं. सद्गुरु म्हणतात, मी नाही म्हणत असं. ऐसे ही दिख रहा था कल मैं सदगुरु का, तो वो बता रहे थे सदगुरु, यू नो सदगुरु, हाँ. तो वो कल भाषण दे रहे थे टीचर रिलेटेड, टीचर कैसा होना चाहिए, तानाशाह होना चाहिए बोले टीचर. टीचर जो है वो तानाशाह होना चाहिए, हिटलर जैसा, हिटलर जैसा होना चाहिए. तो हिटलर ही बने तो हिटलर ही ठीक. लेकिन अभी भी वक्त कोई गया नहीं है. इस मंथ में एग्जैक्टली समझ लीजिए 20-25 दिन आपके पास है. जिन लोगों को लगता है कि हमने हमारे पोटेंशियल से बहुत अंडर परफॉर्म किया है फर्स्ट राउंड में, उनके पास ये 20-25 दिन प्रिपरेशन के लिए है. यू हैव ऑल द टाइम फॉर प्रिपरेशन. फिर बाद में जनवरी मत बोलना सर टाइम नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन को. जो सोच रहे अभी भी थोड़ा रिलैक्स लेंगे जनवरी के राउंड के बाद प्रिपेयर करेंगे, तो आगे नहीं होना प्रिपरेशन. आगे तो शेड्यूल 5-5, 6-6 बजे तक है, तो उसको सिर्फ अपडेट करते चलना है अपने को. उतना टाइम नहीं अपने पास. और एक वजह भी बनी थर्ड राउंड को पोस्टपोन करने की, वो वजह ये थी कि भाई अगले जो राउंड के पेपर्स, अगले जो चैप्टर्स है इंक्लूजन, अब ये सारे चैप्टर है, इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड राउंड के पेपर में आप पूरा पेपर उसी के ऊपर अपना पूरा फोकस है. इसके अंदर से किस में से डिफरेंशिएट, किस में से गिव रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चन हम टारगेट करने वाले हैं. सो मोर ओवर फर्स्ट एंड राउंड, सेकंड राउंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड व्हेन यू सी. आज नहीं, जिस दिन मैं 100% का सिलेबस का पेपर आपके सामने सेट करके रखूंगा, दैट डे यू विल रियलाइज व्हाई आई फोकस सो मच ऑन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड. इज एवरीवन हैप्पी कि क्वाइट अ टाइम इज गिवन फॉर द सेकंड राउंड प्रिपरेशन? ठीक है, इतना टाइम मोर देन सफिशिएंट है. तो मैंने बड़ा सोच विचार करके टाइम टेबल बनाया कि सबको इक्विवेलेंट अच्छे से टाइम मिले, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और प्लीज इस बार थोड़ा सा अपना अच्छा बेहतर देने की कोशिश करें. हमने टारगेट क्या रखा है, ज्यादा नहीं, पिछली बार से 5% इंप्रूवमेंट हमारे देखने चाहिए. वी शुड इंप्रूव बाय 5%, एटलीस्ट वी शुड इंप्रूव बाय 5%. 5% मतलब कितना, 500 मार्क का अगर टोटल अभी इस बार का है, 5% मतलब सिर्फ 25 मार्क्स होता है. वी हैव टू इंप्रूव ओनली बाय 25 मार्क्स इन द सब्जेक्ट वी आर लैगिंग. 25 मार्क्स इन द सब्जेक्ट वी आर लैगिंग. ओके, अगर आज पंकज सर ने मार्क्स दिए तो उसी वालों का रिजल्ट रेडी हो जाता है. तिकडे बघू नको किरण, काय अर्थ नाही आता तिकडे झालं तर झालं आता. हाँ, इको की भी आ जाएंगे, चिंता मत कर. तो जो उसे वाले हैं उनका रिजल्ट तो पुटअप हो जाएगा. मैथ्स वालों का जब आएंगे मैथ्स के नंबर, उसके बाद रिजल्ट पुटअप होगा. सो कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन, सबको क्लियर है सेकंड राउंड के इंस्ट्रक्शन सारे? टाइम टेबल ठीक है, सफिशियंट टाइम है. और ये मंथ के टाइम टेबल में एक चीज आपको याद रखनी है, कंप्लीशन चीजें वो सब चीजें चलती रहेगी, लेकिन ये मंथ में हर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का टारगेट रहे जो 90% अबव जाना चाहे, कि इस दिसंबर के मंथ में रोजाना मेरे दिन के शेड्यूल में से 3 घंटे मेरे सेल्फ प्रिपरेशन के या पढ़ाई के है, लर्निंग के है. 3 घंटे आपको कोई भी हालत में प्रिपरेशन के लिए देने है, मतलब देने ही है. 3 hours इज मोर देन सफिशियंट फॉर बोर्ड्स. आई डोंट एक्सपेक्ट घर जाने के बाद 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करो, उतना करेंगे तो कंप्लीशन भी कब करेंगे. लेकिन प्रॉपर बैठ कर शांति से सब चीजें दुनियादारी सब छोड़कर मोबाइल बाजू में रखे 2-3 घंटे आप बैठ के पढ़ाई करो. 2-3 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट टू कीप द मोमेंटम. जिन लोगों ने अच्छा किया अभी से 2-3 घंटे प्रिपेयर करते रहो. अब अपने को पता है कि हम कौन से सब्जेक्ट में लैग है और कौन से सब्जेक्ट में आगे है, तो जिन सब्जेक्ट में पीछे हो पहले उसके ऊपर काम करो. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फर्स्ट वर्क ओनली ऑन दैट सब्जेक्ट वी आर लैगिंग.
जो सब्जेक्ट अच्छे है उसके ऊपर और ज्यादा टाइम देकर वेस्ट कर कर, अब मेरे को एसपी अच्छा आता, मेरे को इको अच्छा आता, मेरे को ओसीएम अच्छा आता, उसी के ऊपर आप प्रिपेयर करते रहे तो कोई मतलब नहीं। मेरा मैथ्स लैगिंग है, मेरा अकाउंट लैगिंग है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसी सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस दें, उसके अंदर क्या हमारे कमियां हैं उसको सॉर्ट करने की कोशिश करें। नाउ स्वॉट एनालिसिस यही है, मुड़क सर भी उस दिन वही बोलते हैं, मैं डे वन से वही बोलता हूँ, स्वॉट एनालिसिस होना जरूरी है। इफ योर वीकनेस इज अकाउंट्स एंड मैथ्स, यू हैव टू वर्क ऑन इट, देयर इज नो अदर वे आउट। ओके, और जहां जहां मदद लगेगी मुझे बोल देना, मैं आपको मदद करता रहूंगा। बाकी अकाउंट का पंकज सर जाने और आप जाने एग्जाम का, आप आपके हिसाब से पंकज सर से बात कर लीजिएगा। ओके, कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, पेज नंबर 116, कम टू पेज नंबर 116, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट। यस, व्हाट इज द फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट इज एन अरेंजमेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट इज एन अरेंजमेंट व्हिच कनेक्ट्स द इन्वेस्टर ऑफ द फंड्स विद द borrower of the funds, right? Financial market is an arrangement which connects the investor of the funds with the borrower of the funds. Now in this particular arrangement, there are two classification of this financial market. One is called as the money market, another is called as the capital market. Money market is the market where funds are raised and procured for a period of 1 to 1 year, and money market, capital market is a market where money is procured and raised for a period more than 1 year. So the capital market is a long term capital market, whereas the money market is a short term money market. Yes or no? Right? In yesterday's discussion we already saw what are the features of the money market. They were like, yahan par paisa kitna time ke liye hota hai? For the period of 1 year. It is a wholesale market for short term debt. It takes place over the telephone, and the trading takes place over the telephone. The participants are RBI, commercial bank, mutual funds, institutions, primary dealers, etc. There is impersonal relationship of the participants of the money market. There is no fixed place of carrying the transaction. It is easily convertible into cash without any loss. And the major segments of the money market are the call money market, certificate of deposits market, treasury bill market, commercial bill market and commercial paper market. Okay, ye major segment hai jahan par money market ki trading ki jati hai. Okay, call money सब एक एक चीज करके यहाँ पे नीचे पार्टिसिपेंट में हमारे पास आ जाएगा, तब उस वक्त मैं आपको बताता हूँ। ना इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, आरबीआई। व्हाट इज आरबीआई चौधरी? व्हाट इज आरबीआई चौधरी कर सब? व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री, राइट? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई? आरबीआई क्या करती है? अन्नपूर्णा प्रॉफिट कमाती है, फिर द आरबीआई इज गिवन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन आर इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इकोनॉमी में मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई है, और इसके लिए आरबीआई के पास बहुत से फंक्शंस दिए गए। उनमें से एक फंक्शन क्या है बता सकते हैं कोई? आनंद चटर्ला बता। इशूइंग ऑफ करेंसी। इन इंडिया ऑल द करेंसी एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The Reserve Bank of India is the apex organization which issues the currencies in India. Now the point to be noted here is, short term borrowing ka market kaun sa hai? Money market. In money market, the funds are raised for a period of 1 day to 1 year. Whenever funds are raised for 1 day to 1 year, the maximum trading in this market has to be done in the form of cash. Instruments will be traded, but all these instruments will be readily traded in cash. कैसा होगा सब ट्रेडिंग? कैश में होगा, और कैश हैंडलिंग किसके पास है? आरबीआई के पास। सो कैन वी इनडायरेक्टली से द मेजर पार्टिसिपेंट ऑफ द मनी मार्केट इज आरबीआई। अगर आरबीआई ने मनी सप्लाई नहीं किया, डू यू थिंक द मनी मार्केट कैन ऑपरेट? फॉर लेट्स एग्जांपल, आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन वर देयर करेंसी अराउंड इन द मार्केट? नहीं, पूरा करेंसी जो है मार्केट से निकालने का काम किसने किया? आरबीआई ने। मेजर करेंसी जितनी भी थी, जितना भी पैसा जमा था 500,000 का, क्योंकि 100 इतने छोटे छोटे चिल्लर रकम तो कोई रखता नहीं था घर पे, तो मेजर जितनी भी करेंसी थी मार्केट से निकालने का काम आरबीआई ने कर लिया। तो उस दौर में अगर हम देखें, जब डीमोनेटाइजेशन का दौर चल रहा था, उस 2-4-6 महीने में मनी मार्केट के ट्रांजेक्शन एकदम लो पर थे। भारत के इतिहास में मनी मार्केट के ट्रांजेक्शन एकदम लो पर थे, लेकिन वहां से मनी मार्केट फिर से धीरे 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 पिकअप होने लगा। कैसे और क्यों? जैसे जैसे आरबीआई ने करेंसी सप्लाई शुरू किया, वैसे वैसे मनी मार्केट जो है धीरे धीरे शुरू कर। इसका मतलब क्या है? मेजर चीज जो मनी मार्केट में लगती है ट्रांजेक्शन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, वो है कैश।
और कैश का सप्लाई किसके हाथ में है? आरबीआई. सो हु इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट? आरबीआई बीइंग द अपेक्स अथॉरिटी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूइंग करेंसी. आरबीआई इज द मेजर पार्टिसिपेंट ऑफ द मनी मार्केट बिकॉज द मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड मार्केट. लिक्विड मार्केट इन द सेंस ऑफ कैश, इन द सेंस ऑफ कैश. एंड कैश हैंडलिंग इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट. देखो दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट ऑफ द मनी मार्केट. थ्रू मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड इम्प्लीमेंट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इट इश्यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड अंडरराइट्स देम. इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी एंड रेगुलेटर ऑफ द मार्केट. नाउ वी कम डाउन टू नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट. दे इशू ट्रेजरी बिल्स, they issue treasury bills and on this treasury bills they raise cash or debts for a short term period. agar aapko central bank ke waqt shayad maine point bataya nahi bataya mujhe agar shayad bataya hai textbook mein agar aap dekho to that reserve bank of india never lends money to the government. it provides only for short term debt. long term debt or long term borrowings rbi central government ko kabhi nahi deta. are you getting my point? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, बताया था मैंने पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म फंड्स कभी भी प्रोवाइड नहीं करता. इट एक्ट्स एज अ बैंक. वो सिर्फ क्या करेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अगर हम जापान से ले रहे हैं या किसी और देश से ले रहे हैं तो उसके अंदर टर्म्स और कंडीशन फिक्स करने, फाइनलाइज करने के लिए आरबीआई या सेंट्रल बैंक हेल्प करेगा. लेकिन सेंट्रल बैंक खुद होकर लॉन्ग टर्म डेट या पैसा गवर्नमेंट को नहीं देता. बहुत एक्सेप्शनल केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई शॉर्ट टर्म फंड्स देता है. शॉर्ट टर्म फंड्स मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर, उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वो पैसे नहीं देता. लेकिन आरबीआई जो है, इट इज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट. यस, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट. सो इट प्लेज ऑल द रोल्स ऑफ अ बैंक. जैसे हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसे हम अगर इनकैश करना है तो हम किसके पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास. तो बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास होगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजरी बिल. वो इनकैश करने के लिए वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास. कमर्शियल बैंक के पास नहीं जाते बेटा. कहाँ जाते हैं वो, आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास. सो व्हेन यू कम टू नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर आल्सो वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट. दे इशू ट्रेजरी बिल्स एंड ऑन दिस ट्रेजरी बिल्स कैश इज रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे कैश रिक्वायरमेंट हमारी होती है, हम हमारे रोजाना इसमें, चलो गूगल पे डिजिटल पे सब आ गया, लेकिन फिर भी हमारे बैंक में बहुत सी कैश भरी होती है, बैग में जेब में बहुत सी कैश भरी होती है. ये कैश क्यों रखते हैं भाई, इमरजेंसी में कैश की रिक्वायरमेंट हो इसके हिसाब से कैश रखते. वैसे सरकारी काम है, सारा डिजिटल पेमेंट तो है, जितने भी सर्वेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं. लेकिन अल्टीमेटली कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं उसके लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है. तो गवर्नमेंट अपने इस कैश की रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करती है, बाय इशूइंग ट्रेजरी बिल्स इन द मनी मार्केट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ट्रेजरी बिल्स इशू करता है और आरबीआई इन ट्रेजरी बिल्स को मनी मार्केट में बेचकर पैसा रेज कर कैश जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बोरोअर ऑफ द मनी मार्केट थ्रू इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स. अंडरलाइन, थ्रू इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स. द बिल्स आर इशूड थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. किसके थ्रू इशू हो रहे हैं, देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द ट्रेजरी बिल्स रिप्रेजेंट जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट. Now, these treasury bills, are they issued by a private company? Are they issued by a public company? Who is the authority who is issuing these treasury bills? They are issued by the government. Government paisa dubane lage to fir to kya hi kis pe bharosa kar le hum? Right? Fir hamara kaan chuk le to kisko paisa nahi denge. Tijori ke andar, char pat tijori ke andar paisa aise chupa ke rakhega aise. The treasury bills represents zero risk instruments. Matlab, there is no risk on the treasury bills which are issued by the government. Due to its risk-free nature, banks, corporates, etc. buy the treasury bills and lend the money to the government as a part of a short-term borrowing program. The state government issues bonds called as the state development loans. Short-term borrowings जो सरकारें करती हैं, उसके अंदर जो central government होता है, central government क्या issue करता है? Treasury bills. But the state government is not authorized to issue the treasury bills. On the contrary, they issue bonds which are called as state development bonds. अगर राज्य सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को कैश की रिक्वायरमेंट है तो उस कैश की रिक्वायरमेंट्स को शॉर्ट टर्म के लिए फुलफिल करने के लिए वो क्या इशू करते हैं, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स फॉर बॉन्ड्स बाय विच दे कैन प्रोक्योर दिस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म फाइनेंस.
सेंट्रल गवर्नमेंट को कैश या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए वो क्या इशू करते हैं, कौन सी सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, और स्टेट गवर्नमेंट क्या इशू करता है, बॉन्ड्स। स्टेट गवर्नमेंट क्या इशू करता है, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के द्वारा शॉर्ट टर्म फंड या कैश रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और यू कैन से कॉल देम एज पब्लिक कंपनीज और पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज। जैसे जितने भी पेट्रोलियम के, भारत पेट्रोलियम है, भेल है, नवरत्न कंपनीज जो हमने देखे थे, वो सारे नवरत्न कंपनीज जो है वो सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आते हैं। जैसे बीएसएनएल है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, भेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये एलआईसी है, ये सारे जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये सारे क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। दिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। मेनी लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज कैन इशू कमर्शियल पेपर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वर्किंग कैपिटल। अब कोई भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कोई भी कंपनी जिसे फंड रिक्वायरमेंट है, वेदर इट बी गवर्नमेंट कंपनी, वेदर बी अ पब्लिक कंपनी, सर एक पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी अपने शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए मनी मार्केट से पैसे कैसे रेज करेगी? गवर्नमेंट क्या इशू कर रही है, ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट क्या इशू कर रही है, ट्रेजरी बिल। ऑन द कॉन्ट्ररी, दिस पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी इशू कमर्शियल पेपर। क्या इशू करते हैं लोग, कमर्शियल पेपर। बाय इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, दिस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म फंड्स आर रेज्ड बाय अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और यू कैन ऑल्सो सी इन द नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑल्सो हैव द कॉर्पोरेट और द कंपनीज। कंपनी या एक पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन रेज द मनी इन द मनी मार्केट बाय इशू ऑफ विच पेपर, कमर्शियल पेपर। मिक्स मत करना, ट्रेजरी पेपर, कमर्शियल बिल, नहीं तो सब इधर की उधर खिचड़ी कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इशू करता है, ट्रेजरी बिल। स्टेट गवर्नमेंट क्या इशू करता है, बॉन्ड। और कंपनियां क्या इशू करती है, कमर्शियल पेपर। एम आई ओके एंड क्लियर? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। करेंसी इशू कौन करता है, आरबीआई। लेकिन उसको मार्केट में सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हमने टू टायर मॉडल देखा, किस चीज का, कैश फ्लो का। नेशनल इनकम में टू टायर कैश फ्लो मॉडल देखा था हमने, हाँ है ना। लेकिन मैंने कहा टू टायर सेक्टर मॉडल जो है ये फाइनल नहीं है, इसमें पांच छह सेक्टर तक है। जब हम थ्री सेक्टर मॉडल देखते हैं तो तीसरा सेक्टर जो आता है वो है बैंक। पैसा जो है सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस के पास होता है क्या? नहीं, एक तीसरा मेजर पार्टिसिपेंट है जो है बैंक। कंशुक्ले ये सारे हमारे जितने भी पैसा कहाँ डाल रहे हैं, बिजनेस के पास? नहीं, दे आर डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक। बैंक से वो पैसा कहाँ जा रहा है, बिजनेस के पास जा रहा है। सो कैन आई से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन द कैश फ्लो और मनी फ्लो इज द बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट नो डाउटली पैसा इशू कर रहा है, लेकिन उस पैसे को मार्केट में सर्कुलेट कौन कर रहा है, कमर्शियल बैंक। उस पैसे को मार्केट में सर्कुलेट कौन कर रहा है, कमर्शियल बैंक। सो कैन आई से द कमर्शियल बैंक आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट? यस, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर वेरी बिग बोरोअर्स एंड लेंडर्स इन द मनी मार्केट। द बोरो एंड द लेंड इन द कॉल मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म नोटिस मार्केट, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। नाउ दीज आर द वेरियस टूल्स विच दे यूज टू सर्क्युलेट द मनी इन द मनी मार्केट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके बारे में बताया था ना मैंने? नहीं, कैसे बताया था? उस वक्त जब टूल्स बताए थे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स बताए थे, उस वक्त रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताया था। ना रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में शॉर्ट बताता हूँ। रेपो रेट माने वो रेट जिस रेट पर आरबीआई और सेंट्रल बैंक के बीच के ट्रांजेक्शन के बारे में है वो। रेपो रेट के अंदर आरबीआई सिक्योरिटीज इशू करती है और पैसा किससे लेती है, कमर्शियल बैंक से। रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं और आरबीआई से पैसे लेते हैं। रेपो रेट के अंदर क्या होता है, रेपो रेट के अंदर क्या होता है, आरबीआई ट्रेजरी बिल्स किसे इशू करता है, कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक उन्हें क्या लेंड करता है, मनी। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या इशू करता है, ट्रेजरी बिल्स, बदले में उन्हें क्या मिलता है, मनी। सो ये सारे टूल का इस्तेमाल करके मनी आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में एक्सचेंज होता है। एक बार उन दोनों के बीच में मनी एक्सचेंज हो गया, फिर वही मनी मार्केट में फ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, राइट। सो द शेड्यूल बैंक आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कमर्शियल मार्केट। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज। नाउ कैन एनीबडी टेल मी, नाउ ये लॉजिक समझाने की ज्यादा मुझे नहीं लगता जरूरत है। इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड, ये
ये दोनों भी कंपनियां हैं पार्टिसिपेंट जो है मनी मार्केट के अंदर, मेजर पार्टिसिपेंट कैसे बताओ? कोई लॉजिक बता दो, हाथ ऊपर करो। हाउ आर इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट? सर्विस वाले सब बताओ, चलो हाउ कैसे, सर्विस वालों को जवाब पता है? हाँ बता, सर्विस नो, यू आर फार्मर, ओके ठीक है बताओ। सकाई नहीं, सर्विस ना, अच्छा स्कीम चका है। हाँ मैं मेजर फंडामेंटल पूछ रहा, सर्विस करो फिर समझ में आएगा। हाँ म्यूचुअल फंड्स उनको लोन देके, फंडामेंटल क्या है? सैलरी दिया जो हाउस होल्ड होते हैं, इनको क्या होता है? इनकम। क्या होता है इनको? इनकम। इस इनकम से क्या की जाती है? सेविंग्स। इस इनकम से क्या होती है? सेविंग्स। इस इनकम में क्या होती है? सेविंग्स। जितना इनकम होता है उतना खर्चा होता है क्या? ओ जॉब वाले घर में डैडी जितना कमा के लाते उतना के उतना उड़ा देते क्या? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पूरा की पूरा खर्चा करते क्या? नहीं, जितना कमाते उसे 50% ज्यादा तो बचाते, मोर देन 50% इज सेविंग। नहीं का गायत्री, अरे बचाएंगे नहीं तो फिर शादी कैसे होगी अपनी? तू तो बोली ना 25 तक शादी करनी है, नहीं तो जितना कमाते हैं उसमें से बहुतांश, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज सेव, सेविंग्स होती है। लेकिन सेविंग्स को मोबिलाइज करना जरूरी है, सेविंग्स को मोबिलाइज करना जरूरी है। सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज टू बी डन फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग? इन्वेस्टमेंट इज टू बी डन, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज डन इन वेरियस फॉर्म्स। जो सैलरीड है, जो कुछ भी घर में सेविंग्स रखने वाले परिवार है, क्या आपके पेरेंट्स LIC में पैसे निवेश करते हैं? द आंसर इज यस। कर लिया सन्ना सुकन्या पॉलिसी? नहीं, सुकन्या पॉलिसी, कुलदीपक पॉलिसी निकाले किसी की? नहीं, तो सुकन्या पॉलिसी, कुलदीपक पॉलिसी। भले चलो एक बात तो सबको पता है, सबके घर में LIC में निवेश, अले ले ले तू इतने लक्ष्य दे ले गायत्री। एक बात तो पक्की है कि पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी में आपके पेरेंट्स निवेश करते हैं, करते नहीं करते? योर पेरेंट्स इन्वेस्ट इन वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इन द सेम वे मनी इज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। तो जो हाउस होल्ड के जो सेविंग होते हैं दोस्त है क्या म्यूचुअल फंड? अरे रे रे रे, म्यूचुअल फंड रिस्क है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, नको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर लो उसको भी। सो पैसा जो होता है इनकम, इनकम का कुछ पार्ट होता है सेविंग्स। इस सेविंग को मोबिलाइज करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना इन म्यूचुअल फंड्स और इन इंश्योरेंस कंपनीज। ए ऋतुजा लक्ष्य दे, जब सेविंग्स को मोबिलाइज करके इंश्योरेंस कंपनी में म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है तो सारा लिक्विड पैसा किसके पास आ रहा है? इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड के पास। सो ये सारा लिक्विड पैसे को वो क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। जैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इश्यू कर रहा है? ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स आर दे रिस्क सिक्योरिटीज और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज? रिस्क फ्री सिक्योरिटी, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ट्रेजरी बिल्स आर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। कैश किसके पास है? म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। क्योंकि सेविंग, जिन लोगों, आप सब लोगों की जो सेविंग है आपके गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं क्या ट्रेजरी बिल खरीदने के लिए? नहीं, आप कहां तक जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी पर दौन तन्ना पैसे दू, फिक्स डिपॉजिट करो, बैंकों के पास जाएंगे, इन लोगों के पास जाएंगे, पैसा देंगे, वहां पैसा जमा करवाएंगे। दैट सेविंग इज मोबिलाइज्ड विद द कमर्शियल बैंक और द म्यूचुअल फंड और द इंश्योरेंस कंपनीज। इन लोगों का पैसा आपने जमा किया, अब सारा लिक्विड कैश मार्केट का किसके पास है? इंश्योरेंस कंपनी के पास, म्यूचुअल फंड के पास या कमर्शियल बैंक के पास। ट्रेजरी बिल की वॉल्यूम क्या? सरकार के ट्रेजरी बिल इशू के तुम्हारे 100 रुपये 200 रुपये ऐसे जमा करते बैठेगी क्या? नहीं, ट्रेजरी बिल्स की वॉल्यूम करोड़ों में होती है। ट्रेजरी बिल्स की वॉल्यूम जो है वो करोड़ों में होती है। तो जो सारा मार्केट में छोटा छोटा मोटा सेविंग है, छोटी मोटी सेविंग है, 5,000 की प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी, 10,000 की, जैसे वैसे हर कोई परिवार में अपने अपने हिसाब से सारी सेविंग होते हैं। ये सारे सेविंग्स को, छोटी छोटी सेविंग्स को कलेक्ट कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड और कमर्शियल बैंक। तो सारा लिक्विड कैश किसके पास है? इन लोगों के पास।
सो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, फिर मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को लेते हैं और अपने पास के लिक्विड कैश गवर्नमेंट को देते हैं। हुए ना वो पार्टिसिपेंट, आया ना, राइट? सो दिस इज हाउ दे ऑपरेट। और ऊपर से ट्रेजरी बिल्स में निवेश क्यों करेंगे, बिकॉज दे आर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, बिकॉज दे आर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, राइट? सो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनता है, इनकम होता है, इनकम में से क्या होगी सेविंग्स, सेविंग्स में से क्या होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसमें, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, और फिर बाद में ये जो लिक्विड कैश होता है ये ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किया जाता है अभी। लेकिन ये कौन करता है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज एंड द कमर्शियल बैंक। अभी ओके एंड क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड द फ्लो, फ्लो समझ में आ रहा है क्या, गो विद द फ्लो। इंश्योरेंस कंपनी, बोथ द जनरल लाइफ, जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर यूजुअल लेंडर्स इन द मनी मार्केट, दे इन्वेस्ट मोर इन द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, देयर रोल इन द मनी मार्केट इज लिमिटेड। अनडाउटेडली LIC में हम निवेश शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं करते, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना? तो बट बेस जो LIC के निवेश है दैट इज फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड। म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन म्यूचुअल फंड की निवेश अगर लॉन्ग टर्म के लिए की जाए तो उसमें रिस्क कम होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो उसके अंदर रिस्क होता है। सो इंश्योर कि म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड के लिए है। अगर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड के लिए है तो उसमें रिस्क नहीं होता। जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे आपने निवेश किए हैं तो बतौर इन्वेस्टर आपके रिटर्न एक्सपेक्टेड लो होंगे या हाई होंगे, बट ऑब्वियसली योर रिटर्न एक्सपेक्टेड वुड बी हाई। अनडाउटेडली ट्रेजरी बिल्स आर जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट, बट उसके ऊपर रिटर्न जो मनी मार्केट में आएंगे वो ज्यादा होगी या कम होंगे, कम होंगे। इसीलिए अनडाउटेडली इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे लोग जो है मनी मार्केट में पैसा निवेश तो करते हैं लेकिन लिमिटेड। लेट से 80-100 रुपए उनके पास आए हैं, 100 रुपए लिक्विड कैश कंशुक लेके उनके पास आए हैं जमा होके। अभी 100 रुपए का वो क्या करेंगे, 80 रुपए 80 रुपीज कैपिटल मार्केट में निवेश करेंगे। 80 रुपीज कहाँ निवेश करेंगे, कैपिटल मार्केट में, और 20 रुपीज कहाँ निवेश करेंगे, मनी मार्केट में। मनी मार्केट में 20% भी निवेश करने का कारण होता है क्योंकि इन पार्टिसिपेट के भी कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी ऑफिसेस, उनके नौकर, उनकी पगार, सारी चीज़ें, कहीं कोई टपक गया, मर गया तो उसको भी पैसे वैसे देने पड़ेंगे पॉलिसी के, तो वो सारे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए उन्हें भी लिक्विड कैश मेंटेन करने पड़ेंगे। सारा के सारा 100 रुपये कांशुक लेकर लेकर उन्होंने कैपिटल मार्केट में डाल लिया, राइट? और मान लो कल का नौकर पगार मांग रहा, उसके कैश ऑपरेटिंग कैश ही नहीं उनके, तो पैसा कहाँ से देंगे? इसीलिए हर किसी को लिक्विड कैश मेंटेन करना जरूरी है। तो पूरा नहीं, एक लिटिल अमाउंट क्यों ना हो, ये सारे कंपनियां जो है कहीं ना कहीं मनी मार्केट में निवेश करते क्योंकि लिक्विड कैश उन्हें भी रिक्वायर्ड होती है, राइट? नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स ऑफर वैरायटीज ऑफ द स्कीम फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टू द पब्लिक। म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर लिक्विड स्कीम, दिस स्कीम्स हैव इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ आई होप यू नो व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? वाह, किसने मेरे को एक अच्छा सवाल पूछा सर, पोर्टफोलियो में और डेरिवेटिव में फर्क क्या है, कौन पूछा था मेरे को? हाँ, मेरे को दर्शन अध्यक्ष ने पूछा था कि पोर्टफोलियो में डेरिवेटिव में फर्क क्या है। मैंने वो सब्जी वाले एग्जाम्पल दिए थे, एक एक सब्जी क्या है, एक एक सिक्योरिटी है। जब हम कुछ सिक्योरिटीज को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक डेरिवेटिव बन सकता है। अब हाउ इज डेरिवेटिव डिफरेंट फ्रॉम पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें किस तरह के सिक्योरिटी आते हैं हमारे, सपोज लो मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, मेरा डिमैट अकाउंट है, मेरे डिमैट अकाउंट में किस किस तरह के सिक्योरिटीज है वो बताता है मेरा पोर्टफोलियो, वो बताता है मेरा पोर्टफोलियो। हु इज द रिचेस्ट मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर्स इन दिस वर्ल्ड? वॉर्नर बफेट इज द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन दिस वर्ल्ड। डू यू नो How many securities are there in his portfolio? Anybody? Only 46 securities. It is only in 46 securities, and on this 46 securities, he is having a net worth of around 4 lakh crores only. 4 lakh crores only. So he's been one of the richest person in the world in few of the years. The market bahut high pe tha, us waqt he was one of the richest person in the world, first in the world.
वॉरेन बफेट के पूरे पोर्टफोलियो में 46 सिक्योरिटीज होती है, वो 46 सिक्योरिटी के अंदर ही वो सब चीजें खेल रहा है, और उतने 46 सिक्योरिटी में उसने 4 लाख करोड़ की संपत्ति बनाई है, सिर्फ 4 लाख करोड़ की संपत्ति बनाई है। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ डेरिवेटिव एंड अ पोर्टफोलियो। काबरा बना है, किधर काबरा गया, एब्सेंट है, नहीं बनेगा उससे। तो अपने 5 हजार का क्या, वो पूछना पड़ेगा, थोड़ा फोन करके पूछना पड़ेगा ब्रेक में, है कि गए गए अहिला कुछ ज्यादा ही भरोसा कर दिया, वापस लेने पड़ेंगे। तो भाई 4 लाख पोर्टफोलियो डेरिवेटिव के बीच का फर्क समझिए, जब सिक्योरिटीज को लेकर एक अलग सिक्योरिटी बनाया जाता है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटी बनाया जाता है, तो उसे डेरिवेटिव कहते हैं। अध्यक्ष, सिक्योरिटीज को लेकर बास्केट ऑफ सिक्योरिटी बनाया जाता है, वो बास्केट ऑफ सिक्योरिटी को क्या कहेंगे हम, डेरिवेटिव। लेकिन पोर्टफोलियो इज डिफरेंट, मेरे पोर्टफोलियो में आई कैन ऑल्सो हैव डेरिवेटिव्स, आई कैन ऑल्सो हैव इक्विटी शेयर्स, आई कैन ऑल्सो हैव प्रेफरेंस शेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंगल सिंगल सिक्योरिटी भी हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, जो ऑलरेडी बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज भी है। तो 2-4 डेरिवेटिव को मिलाकर, 4-5 सिक्योरिटी को बनाकर भी मैं मेरा पोर्टफोलियो बना सकता हूँ। सो बहुत सारे सिक्योरिटीज को, डेरिवेटिव्स को जोड़कर जब आप इन्वेस्टमेंट का एक प्लान बनाते हो, तो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं उसे? पोर्टफोलियो। और म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां पर हम अलग अलग चीजों में, अलग अलग सिक्योरिटीज में, डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं इक्वली। सो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, राइट? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज यूज द सरप्लस फंड्स टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड एक्सेट्रा। चाहे वो बैंक हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनके पास जो डिपॉजिट होगा, जो सरप्लस कैश होगा, उसे वो कहाँ निवेश करने की कोशिश करेंगे? बट इट इज इन द मनी मार्केट, द कॉर्पोरेट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, गवर्नमेंट क्या इशू करता है? ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट क्या इशू करता है? ट्रेजरी बिल्स। लेकिन कॉर्पोरेट क्या इशू करता है? कमर्शियल पेपर। कॉर्पोरेट बोरो बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स विच आर नथिंग बट शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट। व्हाट इज अ प्रोमिसरी नोट? प्रॉमिस टू पे समथिंग इज अ प्रोमिसरी नोट। ये सारे ज्यादा नहीं, ये सारे कागज के टुकड़े क्या है? प्रॉमिसरी नोट है। ये सारे कागज के टुकड़े क्या है? प्रॉमिसरी। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ द बियरर द सम ऑफ रुपीज 500। ये क्या है? प्रॉमिसरी नोट है। ठीक इसी हिसाब के प्रॉमिसरी नोट जो है बतौर कमर्शियल पेपर कंपनियां जो इशू करती है। अब समझ लो प्रज्वल से मैंने मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए उधार लिए, अब वो बोलता प्रूफ क्या है कि आपने मुझसे लिए? अब डिबेंचर्स विबेंचर इतना सब पूरा पसारा करने के अपने पास टाइम है क्या? नहीं। तो हमने क्या किया, कमर्शियल पेपर बनाया, कमर्शियल पेपर पे कंपनी का नाम और सब लिखा है, सील दिया है, साइन किया है, बोल दिया कि भाई इनसे हमने 1 लाख रुपए उधार लिए, इनको हम 2 महीने के बाद रिटर्न कर देंगे। नाउ दिस पेपर जिसे देकर मैं इनसे 2 महीने के लिए 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, इज नथिंग बट अ कमर्शियल पेपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब किसी कागज को देकर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करती है कंपनी, तो उस कागज को हम क्या कहेंगे? कमर्शियल पेपर। ओके, द लेंडर टू द बैंक्स व्हेन दे बाय द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय द बैंक्स। Primary dealers, their main role is to promote transactions in the government securities. They buy as well as underwrite the government securities. Underwriters take the responsibility of underwriting. But on the contrary, the primary dealers play an important role in the government security. They take the responsibility of underwriting the government security. जो treasury bills issue करती है central government, उसको underwrite करने का, उसका subscription full करने का जिम्मेदारी कौन लेता है? तो वो है primary dealer. So this all are the participants of the money market. Any doubt? Any doubt? Any doubt in any of the participant? Any doubt in any of the participant? Yes or no? Chali. Thank you so much.